भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी एक कहते हैं ना, एक ऐसा दांत जो कीड़े भी लग गए हैं पर उसी से खाना खाना है। तो सेम मालदीव और सेम इंडिया के साथ चल रहा है, हमको ये नहीं पता चला इसको निकाले कि रखे। तो कोई डॉक्टर ने कहा आरसीटी करा लीजिए, नकली कैप लगा लीजिए, कुछ ने कहा उखड़वा दीजिए। तो अभी नरेंद्र मोदी साहब कंफ्यूज है, ये वाला दांत रखना है कि नहीं रखना। उसका रीजन कई है, उसके रीजन ये है कि देखो मालदीव जो है जिस लोकेशन पे है वो इंडियन ओशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर मालदीव में कोई भी एक नेशन ठीक है अपनी मोनोपोली दिखाने की कोशिश करता है तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा विश्व के लिए कि इसको हम टैकल करें। देखिए ये इंडियन ओशन पूरा पीछे दिख रहा है, बिंदास कुछ नहीं है, सिर्फ समुद्री समुद्र है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उसके बाद समुद्री समुद्र है। आप एंजॉय करिए। अब इतना सुंदर आइलैंड ठीक है, लक्षद्वीप भी इतने सुंदर है मानते, बट लक्षद्वीप के बाद मालदीव आ, तो मतलब ये इंटरनेशनल सी में ज्यादा ओपन है, हमारी कंट्री से ज्यादा ओपन कौन है, मालदीप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मालदीप ज्यादा बड़ा है लक्षद्वीप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जाना, ये देखिए इसका एरिया हमसे ज्यादा बड़ा है, तो जब इसका एरिया हमसे ज्यादा बड़ा है तो भाई यहाँ लोग जाएंगे एज ऑब्वियस। अब ये जो बंदे हैं और ये जो बंदे हैं, ये दोनों एक गाना गाते हैं, यार बदलना जाना मौसम की तरह, और ये दोनों रोज हर मौसम में बदलते रहते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं और इनका मौसम बदलता रहता है। अब यहां पर क्या हुआ, मोइजू को पार्टी को बेटा 70 सीटें मिली हैं, अभी वीकली इलेक्शन एक हुए 93 में से 70 सीटों पर इनकी पार्टी दोबारा जीत गई मोइजू। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्यों 70 सीटें साहब 93 में, मतलब फुल मेजोरिटी में। अभी अब जो पहले के लीडर थे उनकी वैल्यू जीरो वहां पर, अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप बात करें सर प्रो चाइना एज ऑफ से प्रो चाइना इज विनिंग बैडली, अब ये क्या है एंटी चाइनीज सेंटीमेंट्स को और बढ़ाने की कोशिश है। आज हमारे इंडिया जो है, आज इंडिया को मालदीव चाहता है कि टूर एंड टूरिज्म के लिए हम जाएं उनके पास, क्योंकि इनकी इकोनॉमी हम सर्वाइव कराते थे। बट प्रॉब्लम ये भी है कि मोइजू के इतना इंडिया के अगेंस्ट आग उगलने के बाद भी वहां की जनता उसे पसंद कर रही है, ये क्लियर ग्लिम्स हमें क्या दे रहा है कि एंटी इंडियन एलिमेंट्स आर सपोर्टिंग मालदीव, है ना, आर सपोर्टिंग मालदीव्स प्रेसिडेंट मोइजू टू विन अगेन। अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो प्रो इंडियंस हैं उनको नहीं जीतने देगा, अब ये नहीं जीत पाएंगे। अगर ये नहीं जीत पाएंगे तो इंडियन ओशियन रीजन में बैलेंसिंग करना मुश्किल हो जाएगा और चीजों को सेटल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर बेटा किसी जगह की बैलेंसिंग और सेटलमेंट मुश्किल है तो उस चीज को फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे साथ प्रॉब्लम है। आज मोइजू साथ की दोस्ती सबसे ज्यादा चल रही है ठीक है, जी जिनपिंग जी आपके साथ ये सबसे ज्यादा बैठ रहे हैं और यहां मोदी साहब से दूर होते जा रहे हैं। COP28 की मीटिंग में मिले थे दुबई में दिसंबर में, और वो मीटिंग खत्म होने के बाद वहां पे त्राहिमाम मच चुका था, आप सबने देखा था दुबई कैसे बह रहा था। आप देखिए यहाँ पर बहुत छोटा एडिटोरियल, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, तो बिल्कुल रिलैक्स रहो, चिंता इंता कोई ना करो, नहीं तब नहीं कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर दो पार्टीज हैं, पहली पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसे MDP बोलते हैं, जब ये सत्ता में होती है तो ये कैसी है, इंडिया की सपोर्टिव पार्टी है, ध्यान रखो ठीक है। अगर यहाँ पर MDP जीतती है तो इंडिया को सपोर्ट करती है, और अगर NDP नहीं जीतती है तो इंडिया के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो इस टाइप पे NDP हारी है और जो जीती है उसका नाम है पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, PNC, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस इज रनिंग राइट नाउ, और इनके जीतने का सबसे बड़ा घाटा किसको हो रहा है, भारतीयों, क्योंकि ये एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स को लेके बैठे हुए हैं। अभी एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स को लेके बैठे हैं, बट अगर आप कभी ध्यान देंगे तो मोदी साहब ने कुछ बुरा नहीं कहा इनके लिए, मोदी साहब ने सिर्फ इतना कहा, मार्क मान लो पहले करूंगा, मोदी साहब ने सिर्फ इतना कहा कि लक्षद्वीप बहुत अच्छा है, मोदी साहब आते हैं तो आंख मार ही देते हैं, क्या जरूरी है,
ठीक, तो अब मोदी साहब जब आएंगे तो फिर बेटा यहाँ पे चैलेंजेस क्या आ गए, यहाँ पर चैलेंजेस ये आ गए कि इन्होंने सिंपल सा कह दिया कि भाई लक्षद्वीप जो है एक बहुत अच्छा प्लेस है, हम यहाँ विजिट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं, दैट इज द रियल हेवन। अब ये बोलकर इन्होंने क्या किया, मालदीव के अगेंस्ट बोल दिया, मालदीवियंस को लग गया, मालदीवियंस को लगा कि इन्होंने जो बोला वो गलत, इनको क्या लगा मोदी साहब को ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। और मोदी साहब ने कोई निगेटिव इम्पैक्ट से तो कोई स्टेटमेंट बोला ही, इन्होंने सिर्फ ये बोला कि भाई मेरे हिसाब से लक्षद्वीप इज अ वेरी गुड प्लेस, उन्होंने ये तो नहीं कहा मालदीव मत जाओ। पर मालदीव के मिनिस्टर्स को लग गई मिर्ची, उन्होंने कहा अरे तुम तो दलाल हो इसराइल के, अरे तुम तो ये हो, अरे तुम तो वो, मोदी कह रहे हैं हम अपने देश में बैठे तो मैं प्रॉब्लम हो गई, बस लग गई लाठी और मोदी के साथ सब खड़े हो गए देशवासी, कि अब कोई नहीं जाएगा मालदीव, सब जाएंगे लक्षद्वीप। ठीक, अब सब लोग लक्षद्वीप जाने लगे और यहां से हो गई एक बढ़िया वाली सॉलिड वाली है ना लड़ाई। अब देखिए अगर इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स में आप देखें तो 18 में कितने थे 61% और 2023 में 11.18% था सिर्फ इंडियन सिटीजन का, और 2021 में 22.7, 2020 में थोड़ा डाउन हुआ था, उसका रीजन था कोविड, 2022 में डाउन हुआ था, 21 में थोड़ा बढ़ा था, और इस साल दिसंबर अक्टूबर से डाउन होना स्टार्ट हुआ ड्यू टू द नरेंद्र मोदी एंड मालदीव। बट अगर देखा जाए तो इंडियन टूरिस्ट को मालदीव हमेशा चाहता है कि वो यहाँ आए, अगर वो यहाँ रहेंगे तभी इनका बेनिफिट होगा। अगर आप बात करें ओवरऑल 2022 में रैंक वाइज तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो थे वो इंडिया और रशिया से गए। तो अगर इंडिया और रशिया इतनी इंपॉर्टेंस इनके लिए रखती है 23 तक, तो जाहिर सी बात है मालदीव ये जानता है कि इनकी कंट्री की इकोनॉमी सर्वाइव कराने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, तो इंडिया को ये इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ये सोचे कि इंडिया को इग्नोर करके इनका काम चलेगा, नहीं चलेगा, दे वॉन्ट अस बैडली। ठीक है, अब क्या हुआ है इस बार रशिया, इटली, चाइना, यूके है ना, और इंडिया जो थी नंबर वन रैंक पे थी कहां पे आ गए, 5वें नंबर, और जो नंबर 2 पे थी रशिया नंबर 1 पे आ गई, चाइना नंबर 3 पे थी नंबर 3 पे गई, इटली नंबर 6 से नंबर 2 पे आ गई, और इंडिया नंबर 1 से उतर के कहां आ गए, नंबर 5 पे, और आने वाले टाइम पे यहां से भी बाहर चली जाएगी। तो अब मालदीव को ये लगने लगा है कि अगर भारत को सर्वाइव करना है तो हमको किस चीज की जरूरत है, हमको जरूरत है इस चीज को सर्वाइव कराने के लिए प्रॉपर मैनर में, और इसको हम तब सर्वाइव करा पाएंगे जब हम इन चीजों को होल्ड करें और इनको संभालें और इनको बदलें। तो ये कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इंडियन जो है, ठीक है, आई होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया मेरे हाथों से टाइप करते समय, तो उसको अदरवाइज लेके कमेंट मत मार दीजिएगा। ठीक है, वो इंडियंस को, टूरिस्ट को वापस चाहते हैं कि मालदीव में आ जाएं। प्रोबेबली ऐसा नहीं है कि वो आएंगे नहीं, वो 100% पहुंचेंगे और फिर से जाएंगे, क्योंकि मेरा देश जो है वो गरीबों को गरीब नहीं रहने देता, भले खुद गरीब बन जाए, वो प्रयास करता है कि हर गरीब देश अमीर हो जाए, भले ही चाइना वहाँ कितना घुस जाए। तो हम मालदीव को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, टूरिस्ट मांगे जा रहे हैं, हम थोड़े दिनों में टूरिस्ट इनके पास भेजेंगे, बट अभी जब तक ये दोनों सनम आपस में बात नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता, तो पहले इन दोनों सनमों पर रूठे हुए का मुंह इधर करना पड़ेगा, पर ये थोड़ा मुश्किल है, अभी कम से कम जून तक तो वैसे ही मुश्किल है, उसके बाद हो सकता है मोदी साहब अपनी स्वर्ण सेरेमनी करें, फिर मुइज्जू से कहा तुम आओ तुमको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह क्या होता है, फिर मुइज्जू साहब आए कि आए ये तो चाइना ज्यादा अमीर है तो शायद मान जाए, तो मोइजू को मनाना मोदी को ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों की राशि मामा से निकल रही है और दोनों मम्मी है, और मम्मी है किसी की सुनती नहीं, आपको पता है एम्फर मम्मी, तो यहाँ पर दिक्कत है, माँ शब्द दोनों के आगे लगा हुआ है ना, तो ये लोग सुनेंगे तो, और इन दोनों को जब तक आप सुधारोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। मोदी साहब ने कुछ गलत नहीं बोला अभी तक, पर मोदी साहब मोइजू की सेरेमनी में भी नहीं गए थे, उन्होंने बुलाया तो था, उन्होंने कहा मैं प्रो इंडियन में जाता हूँ एंटी इंडियन में नहीं जाता, तो गलत था, और ना डायरेक्टली नहीं बोलते, लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली है, लोगों को समझ में ना आए ऐसे बोलते हैं वरना फंस जाएंगे बेचारे। ठीक, तो बस आज इतना ही करते हैं, थैंक्स मैंने शायद इसमें लिखा नहीं होगा, तो बिना थैंक्स के थैंक्स फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग और नॉट लाइकिंग क्या करें?